लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही तेजी से तुल पकड़ रहा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण पर है। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इसको लेकर के अभी से सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पूजन में शामिल होंगे। सीएम योगी राज्यपाल प्रोटोकॉल शिष्टाचार के तहत प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 4 प्रतिनिधि मंडलों के दलों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम के शिष्टाचार मुलाकात कर उनको आमंत्रित भी कर दिया है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, धन्य महसूस कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने एक्स यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट भी शेयर किया और वो कह रहे हैं कि वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं और ये उनका सौभाग्य है कि वो अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। वही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी फायदे के लिए 5 राज्यों के चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के लिए विपक्षी दलों के दबाव से डरे हुए हैं, क्योंकि इससे अगले साल के आम चुनाव से पहले धर्म के आधार पर विभाजन की भाजपा की योजना को झटका लग सकता है। अब इसी के साथ ही हम जान लेते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की मुख्य कौन कौन सी बातें हैं। दरअसल देश के सभी पूजा पद्धति के 4000 संत राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। संत समाज से हटकर विभिन्न क्षेत्रों में 2500 लोग जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, परमवीर चक्र से सम्मानित परिवारों, शहीद कार सेवकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में अंदर में बैठने की सीमा तय है। प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित मेहमानों को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित संपन्न कराएंगे। दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। राम भक्त प्रतिष्ठा के अगले दिन से रामलला का दर्शन कर सकेंगे। संभवतः 16 जनवरी 2024 से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी के पूजन के बाद ही आमंत्रित मेहमानों को रामलला का दर्शन मिल सकेगा। लगभग 3 घंटे से ज्यादा राम जन्मभूमि परिसर में बैठना पड़ेगा। इसी के साथ ही वयोवृद्ध और अस्वस्थ मेहमानों से ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा के बाद दर्शनार्थ आने की अपील की है। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय व्यक्तियों के परिजनों को भी प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकों को भी प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया जाएगा।